अगर ये लोग जो 32 साल से 33 साल से बिहार में राज कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं? ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, क्या बिहार में झाड़ू लगा रहे हैं 33 साल से? क्या कर रहे हैं? एक इंजीनियर के पद पे है, एक एजुकेट व्यक्ति हैं। एक आदमी एजुकेट व्यक्ति अगर इस तरीके का काम करता है, हमेशा दल बदलता है, ये गलत है। बिहार के जनता के साथ अपमान है, विश्वासघात है, ये क्या है? आप बार बार जो दल बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं? आपकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से आपको अच्छा आदमी जाना, ऑनिस्ट आदमी जाना, तब तो आपको वोट देके जिताया ना आदमी कर रहे हैं। कहीं भी अगर कोई भी गठबंधन की सरकार है, वो गठबंधन की सरकार एक लाचारी सरकार होती है, फुल बहुमत की सरकार एक मजबूत सरकार होती है, समझे? गठबंधन की सरकार कभी भी काम नहीं फुल बहुमत में कर सकती है। अभी जो सरकार है प्रेजेंट में, अभी जो चल रही है सरकार, ये तो पूरा करप्ट सरकार है। ये जो जान रही है, चारा घोटाला में लालू जी गए, 10 साल चाईबासा जेल में काट के आए, अभी तेजस्वी यादव जी पे जो है लैंड फॉर जॉब का केस दर्ज किया सीबीआई ने, वो भी हरिद्वार जाएंगे। क्या है नीतीश जी, पलटू राम है ये तो सारा, बिहार के 3.5 करोड़ जनता जान रही है। नीतीश कुमार अपने हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चले जाएंगे। हाँ, वो बीजेपी में फिर जाने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है, बिहार में 3.5 करोड़ जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि बिहार में आप विकास का सरकार बनाइए। अभी जो जाति जनगणना करवा रहे हैं नीतीश जी, ये सबसे बड़ा गलत काम करवा रहे हैं। इस पर विरोध करना चाहिए बिहार के 3.5 करोड़ जनता को। इससे क्या होगा, समाज में जो है मतलब तुष्टिकरण की राजनीति किया जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है, नीतीश जी की नीति कोई खराब नहीं है। नीतीश जी एक करप्ट आदमी के साथ चले गए हैं, जिसके वजह से बिहार में जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने भी बालू माफिया थे या खनन माफिया थे या शराब माफिया थे, वो एक्टिव हो गए हैं बिहार में फिर से। बिहार आज भी जो है मजदूरों का फैक्ट्री बना हुआ है और बना हुआ रहेगा, जिस तरीके से बिहार सरकार की नीति है। बिहार सरकार जब तक अपने नीति में बदलाव नहीं लाएगी, तब तक यहाँ विकास का कोई भी काम नहीं होगा। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। एक समय ऐसा था जब नीतीश कुमार अपराध से छुटकारा दिलाने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन आज वही नीतीश कुमार जो है, जिनको सत्ता से हटाने के लिए मुख्यमंत्री पद भार ग्रहण किया था, आज उसी के साथ मिलकर बिहार की सत्ता पर काबिज है। तो आइए आज हम जनता से जानेंगे, क्योंकि बिहार में महागठबंधन के जो विपक्ष हैं, वो लगातार ये बात बोलते हैं कि बिहार में अब फिर से जंगल राज पार्ट 2 शुरू होने वाला है। तो आइए उनसे पूछेंगे कि क्या वाकई बिहार में जंगल राज पार्ट 2 शुरू होने वाला है। क्या लगता है, बिहार में फिर से जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है, नीतीश जी की नीति कोई खराब नहीं है। नीतीश जी एक करप्ट आदमी के साथ चले गए हैं, जिसके वजह से बिहार में जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने भी बालू माफिया थे या खनन माफिया थे या शराब माफिया थे, वो एक्टिव हो गए हैं बिहार में फिर से। और सरकार, सिंपल सी बात है कि भ्रष्टाचारी की सरकार है, फिर भी नीतीश कुमार है, फिर भी बिहार में बाहर है। बिहार में ऐसे रहने खोने के लिए, पाने के लिए बिहार में कुछ है नहीं। यहाँ बिहार सरकार के लिए, बिहार सरकार ऐसा कुछ बनाई नहीं है, ऐसा कुछ काम की नहीं है जो मतलब बर्बाद हो जाए या किसी तरीके से। बिहार आज भी जो है मजदूरों का फैक्ट्री बना हुआ है और बना हुआ रहेगा, जिस तरीके से बिहार सरकार की नीति है। बिहार सरकार जब तक अपने नीति में बदलाव नहीं लाएगी, तब तक यहाँ विकास का कोई भी काम नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं ना, बिहार कभी ISIPS की फैक्ट्री हुआ करती थी, नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, काफ़ी ज़्यादा 192 देश से लोग यहाँ एजुकेशन ग्रहण करने के लिए आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। आज बिहार देखिए, मजदूरों का फैक्ट्री बना हुआ है। बिहार में क्या है? बिहार में कुछ नहीं है। अच्छा, मजदूरों की फैक्ट्री है बिहार, तो इसमें किसकी गलती है? इसमें हमारे जो माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनकी गलती है, माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, उनकी गलती है, माननीय तेजस्वी यादव जी हैं जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी गलती है। अगर ये लोग जो 32 साल से 33 साल से बिहार में राज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं? ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं, क्या बिहार में झाड़ू लगा रहे हैं 33 साल से? क्या कर रहे हैं? एक इंजीनियर के पद पे है, एक एजुकेट व्यक्ति हैं। एक आदमी एजुकेट व्यक्ति अगर इस तरीके का काम करता है, हमेशा दल बदलता है, ये गलत है। बिहार के जनता के साथ अपमान है, विश्वासघात है, ये क्या है? आप बार बार जो दल बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं? आपकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से आपको अच्छा आदमी जाना, ऑनिस्ट आदमी जाना, तब तो आपको वोट देके जिताया ना आदमी। अब बार बार इस दल बदलते रहेगा तो क्या हुआ, तो हम आप किसी एक दल को वोट चुने देंगे ना? आपको बार बार आपको देते हैं, आपको बार बार मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, आप बार बार दल बदल रहे हैं, तो क्या विकास कर रहे हैं? कहीं भी अगर कोई भी गठबंधन की सरकार है, वो गठबंधन की सरकार एक लाचारी सरकार होती है, फुल बहुमत की सरकार एक मजबूत सरकार होती है, समझे? गठबंधन की सरकार कभी भी काम नहीं फुल बहुमत में कर सकती है। अभी जो सरकार है प्रेजेंट में, अभी जो चल रही है सरकार, ये तो पूरा करप्ट सरकार है। ये जो जान रही है, चारा घोटाला में लालू जी गए, 10 साल चाईबासा जेल में काट के आए, अभी तेजस्वी यादव जी पे जो है लैंड फॉर जॉब का केस दर्ज किया सीबीआई ने, वो भी हरिद्वार जाएंगे कुछ दिन में, वो भी हरिद्वार जाएंगे तेजस्वी यादव जी। तो नीतीश कुमार को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो फंस गए?
25 में जा रहे हैं ना, बीजेपी में जा रहे हैं। नीतीश जी क्या है, नीतीश जी पलटू राम है, ये तो सारा बिहार के 3.5 करोड़ जनता जान रही है। नीतीश कुमार अपने हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, चले जाएंगे। हाँ, वो बीजेपी में फिर जाने वाले हैं। इलेक्शन विधानसभा का जब होगा तो फिर चले जाएंगे। अभी नहीं, तेजस्वी यादव को पूरा भरोसा उन पे कि नहीं जाएंगे। जरा इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अटल जी का अभी जयंती वगैरह होने वाला था, पूर्ण जयंती था दिल्ली में, वहाँ गए हुए थे नीतीश कुमार जी। तो फिर उपेंद्र कुशवाहा जी जो है रुलसपा के जो अध्यक्ष हैं, उनका बयान आया कि नीतीश जी का गठबंधन में जो एनडीए का इंडिया का जो गठबंधन है उसमें टूट होने जा रहा है, नीतीश कुमार जी जो है बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। ये देखिए कभी चल नहीं पाएगा। आज का स्टेटमेंट देख लीजिए ना, नीतीश जी खुद कह रहे हैं कि गठबंधन में जो है गठबंधन विपक्षी में जो एकजुटता है ही नहीं, ये फालतू बात है। ये जो गठबंधन इंडिया जो बनी है कुछ नहीं है, ये मोदी जी के सामने कुछ नहीं है। बिहार में रही बिहार की बात, हम बिहार में रहें बिहार की बात करें तो बिहार में ये जो है विकास नहीं कर रहे हैं, बिहार को लेपा पोती करके बराबर करके रख दिए हैं। बिहार में 33 साल से अच्छी शिक्षा देख लीजिए, आज प्राइवेट सेक्टर में देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में खान सर इधर डेवलप कर रहे हैं, फिजिक्स वाला डेवलप कर रहा है, क्यों कर रहा है? राज्य सरकार यहाँ पढ़ा नहीं रही है तब तो जा रहा है उसमें ना। आज अगर सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा, अगर सरकारी मेडिकल व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा तो क्यों सरकारी है? वो जो प्राइवेट अस्पताल में जा रहा है परसा नारिंग मतलब परसा जो है नर्सिंग होम है उधर जो बड़ा बड़ा मेडिकल जो है उसमें जा रहा है लोग, तो सरकार व्यवस्था तो दुरुस्त नहीं कर रही है। सरकार ध्रुवा राजनीति करके बिहार को मजदूरों का फैक्ट्री बना के रख दी है। बिहार में क्या है, आज भी आप चले जाइए पटना जंक्शन पे, जितने भी ट्रेन यहाँ से बिहार से जाने वाली है दिल्ली, सब में बिहारी कोच कोच के भरे हुए हैं। तो क्या है, सरकार की एक नीति खराब होने के वजह से ना बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन रहा है, तो इसको कौन बदलेगा? हम आप बदलेंगे। तो सबसे बड़ी बात है बिहार में 3.5 करोड़ जनता से हम ये अपील करना चाहेंगे कि बिहार में आप विकास का सरकार बनाइए। अभी जो जाति जनगणना करवा रहे हैं नीतीश जी, ये सबसे बड़ा गलत काम करवा रहे हैं, इस पर विरोध करना चाहिए बिहार के 3.5 करोड़ जनता को। इससे क्या होगा, समाज में जो है मतलब तुष्टिकरण की राजनीति किया जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि जो फाइनेंशियली जो वीक है सर्वे कराकर वो ये जानने की कोशिश। अरे वो कुछ नहीं करवाएंगे, उस टाइम होगा क्या, मान लीजिए परसेंटेज पता चल गया कि नहीं बख्तियारपुर में इतना जो है यादव की संख्या, तो अगर वहां से अगर इस वोट बैंक को अगर किसी पार्टी को नहीं मिल पाता जो सरकार में आई है तो क्या वहां विकास होगा? अब बताइए विकास हो सकता है? अगर इस सीट से अगर मान चलिए यहां से अगर आरजेडी का कोई उम्मीदवार खड़ा हुआ वो हार गया, मगर आरजेडी की सरकार बन गई तो क्या वहां काम होगा? आप बताइए इस बात को। इसीलिए जाति जनगणना जो है एक फालतू बात है, ये सरकार अपनी वोट बैंक टाइट वोट बैंक बनाने के लिए इस तरीके का काम कर रही है। इसलिए कहीं ना कहीं नीतीश जी का जो है ना क्रेडिबिलिटी पूरा बिहार में खत्म हो चुका है, और आने वाला 2025 में विधानसभा इलेक्शन में इस दोनों का जो है अच्छी तरीके से सफाया होने वाला है। ये चाचा भतीजे की सरकार ने बिहार को सिर्फ लूटने का काम किया है और बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। अच्छा, खुसरूपुर में एक दलित महिला के साथ आपने शायद न्यूज़ सुना ही होगा कि उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया। सबसे बड़ी बात है नीतीश अभी जो अभी सरकार प्रेजेंट में आप चले जाइए ना 2005-2004 में जो था जो जिस टाइम आरजेडी की सरकार थी उस टाइम भी क्या होता था, उस टाइम भी बहू बेटियां घर से ठीक से नहीं निकलती थी। अभी भी जिस सरकार में है रात में 12 बजे यहां पर स्मैकर वगैरह कोई ना जो है मोबाइल छीन लेता है बाइक छीन लेता है, किसी तरीके से लोग अभी भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। आप बिहार में 10 बजे के रात के बाद ट्रेवल कीजिएगा तो आपके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो सकता है, बेटी बहन अभी भी सुरक्षित नहीं है बिहार में। बिहार में कह रहे हैं ना बिहार की प्रशासन जो है बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था इतना चरमरा गई है जिसको आप कह नहीं सकते हैं। प्रशासन हमेशा जो है ना उसी आदमी को टॉर्चर करता है जो उसको टारगेट करता है। अभी देख लीजिए यहाँ पर 500 नशेड़ी बैठा होगा, प्रशासन जानता है मगर कुछ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, एक्शन लेना चाहिए। आज हमारे सामने में कल रैली था वहाँ पे आज से 15 दिन पहले, और एक महिला बात कर रही थी उसका सेलफोन छीन के भाग गया, जब पूछा गया तो कोई उसका जवाब नहीं दिया। अगर सीसी फुटेज कैमरा करके उसका सेलफोन तो बरामद किया जाता ना, उसको दिया जाता ना, क्या कर रही है प्रशासन? सबसे बड़ी बात है भ्रष्ट की सरकार है और फिर भी बाहर है, फिर भी नीतीश कुमार है। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है, तो जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया? तो जंगल राज पार्ट 2 तो सुई हो गया। आप देख लिए आनंद मोहन जी को रिहा करवा दिया गया, एक IAS का मर्डर कर देता है गोपालगंज में। आप जानते हैं IAS IPS पढ़ने के लिए कितना टॉपेस एग्जाम होता है, वर्ल्ड लेवल टॉपेस एग्जाम होता है, मगर आनंद मोहन एक IPS का मर्डर किए हुए गोपालगंज में, मगर उनको यही नीतीश कुमार उम्र के उनको फांसी का सजा हुआ था उस संशोधन करवा के उम्र कैद में तब्दील करवाएं, और उसके बाद आज देखिए आनंद मोहन सिंह को रिहा करवा दिया गया, ये गलत है कि नहीं? तो आप पढ़ लिख के एजुकेट व्यक्ति हो के आपके मस्तक में सरस्वती वास कर रहा है, उसके बाद भी आप भ्रष्ट काम कर रहे हैं और भ्रष्ट की सरकार के साथ साथ में साथ मिलाए कन्ना भी साथ चल रहे हैं। आप कह रहे थे कि हम सुशासन बाबू हैं, क्या है सुशासन बाबू? यही भ्रष्टाचारी के साथ जिसके साथ टैग लग गया कि 4000 करोड़ का घोटाला किया,
क्या लालू जी के साथ 4000 करोड़ का घोटाला लगा कि नहीं दाग बिहार में? नहीं तो लालू जी आज प्रधानमंत्री होते, उनकी छवि खराब खुद अपने वजह से किए। वो बिहार में क्या किए? अपने जाति को उठाने का काम किए। आप चले जाइए छपरा जिला, गोपालगंज जिला, डोरीगंज चले जाइए, आप सिवान जिला चले जाइए, जितने भी यादव हैं सिंह को सबको रेलवे में नौकरी है, लैंड फॉर जॉब, नौकरी दिए, जमीन लिए। अच्छा, इंडिया अलायंस कह रही है कि अब जो है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री, तो खुद नहीं बन रहे हैं, इनको मालूम है कि हम काम क्या किए हैं। प्रधानमंत्री वो आदमी बनता है जो अपने राज्य के लिए काम करता है। बिहार में अब बिहार का स्टेटस लेके जाइए दूसरे राज्य में, क्या कहेगा वहाँ का लोग, आप खुद सुन लीजिएगा। कहता है एक बिहारी सौ बीमारी, कहता है तुम अपराधी हो, तुम वहाँ कहीं ना कहीं से आप मर्डर करके आए हो या अपराध करके आए हो। बिहारी को अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता किसी दूसरे स्टेट में। अब क्या कह रहा है, ये किस स्टेट, किस बात के लेके प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बिहार में क्या काम किए हैं? बिहार में 1700 करोड़ का पुल 17 महीना नहीं टिकता, धराशाई हो जाता है। तो आपको 29 राज्य का नेतृत्व करना है, भारत के 140 करोड़ का नेतृत्व करना है, कैसे आप डिसीजन लीजिएगा? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो विशेष विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे बिहार को। अरे सबसे बड़ी बात है, जब तक बीजेपी के साथ रहे तो दिलाए नहीं, अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तब दिलवा देंगे। कहता नहीं है राधा का नौमन घी पूरेगा नहीं, राधा नाचेगा, सिंपल सी बात है नीतीश जी का, वही बात है। नीतीश जी उतना दिन बीजेपी के साथ रहे थे, कहने लाए विशेष राज्य का दर्जा? आप चिल्ला रहे हैं, सबसे बड़ी बात है नीतीश जी का नीति खत्म हो गया है। नीतीश जी की अपनी जो है पार्टी ही खत्म होते जा रही है, इसलिए इनका नीति भी खत्म होते जा रहा है। नीतीश जी देखिए प्रधानमंत्री की रियलिटी बता दे रहे हैं आपको, नीतीश जी प्रधानमंत्री का सपना नहीं देख रहे हैं। नीतीश जी ने बीजेपी से कितने बार बोला है कि हमको राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाइए, कि हम एक कम्युनिस्ट, एक ईमानदार व्यक्ति हैं। नीतीश जी कोई खराब आदमी नहीं है, मैं अभी भी विरोध नहीं करता उनका, उनका इस नीति का विरोध करता हूँ कि भ्रष्टाचारी के साथ क्यों चले गए, और जब भ्रष्टाचारी के साथ चले गए तो अपने अपने नीति से क्यों आप समझौता किए? आप कह रहे थे कि हम सुशासन बाबू हैं, मगर कहाँ गई आपकी सुशांतता, कहाँ गई? भ्रष्टाचारी के साथ समझौता कर लिए, बिहार में आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी तक पुल जो चला गया 1700 करोड़ का, उसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं निकला, उसका जांच रिपोर्ट आना चाहिए ना, कैसे पुल खत्म हो गया। मगर इन लोगों का नीति है यही कि बिहार में फूट डालो और राज करो। बिहार का जो है ना विकास जो है पूरी तरीके से ये लेपापोती करके रख दिए हैं लोग।